पूरी उम्मीद करता हूं कि इसी तरह का होस्ट गुजरात की सरकार, वहां के मंत्री, वहां के विधायक करेंगे। आम आदमी पार्टी के बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने आखिर क्यों कहा कि बीजेपी बने आम आदमी पार्टी के नेताओं की होस्ट? ये बयान जो है आपने पूरा नहीं सुना है, इसको पूरा सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये बताएंगे कि आखिर क्यों संजीव झा ने ये बयान दिया। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई से एक डेलीगेशन जो है वो दिल्ली आया है अरविंद केजरीवाल के मॉडल को देखने के लिए। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को देखने के लिए, स्वास्थ्य मॉडल को देखने के लिए, ये देखने के लिए कि अरविंद केजरीवाल जब जनसभाएं करते हैं, चुनावी रैली करते हैं, और उस दौरान जो वो अपने भाषण में ये कहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा मॉडल जो डेवलप किया है वो शानदार है, जब वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं वो अपने आप में कमाल हैं, वो जब ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य पर बहुत काम किया है, तो क्या वाकई वो काम हुआ है? यही सब देखने भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई से एक डेलीगेशन दिल्ली पहुँचा है। अब इस कदम को लेकर बीजेपी के आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के विधायक होते हैं, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा एक बयान देते हैं। वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई से जो डेलीगेशन आया है वो हमें ये बता दे कि उन्हें कहाँ जाना है, दिल्ली सरकार का कौन सा अस्पताल देखना है, कौन सा क्लिनिक देखना है, कौन सा मोहल्ला क्लिनिक देखना है, या कौन सा अस्पताल देखना है, वो हमें बता दे, जो उन्हें देखना है, जहाँ उन्हें देखना है हम दिखाएंगे। और एक हफ्ते के बाद दिल्ली से आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन जो है वो गुजरात जाएगा, और जब हम गुजरात जाएंगे तो हम ये बताएंगे कि हमें आपका ये स्कूल देखना है या ये अस्पताल देखना है। तो उसी तरह से जैसे कि आप यहाँ आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी आपके स्वागत के लिए तैयार है, आपको जहाँ जाना है वहाँ ले जाने के लिए तैयार है, तो उसी तरह से जब आम आदमी पार्टी गुजरात पहुँचे तो आप भी उसी तरह से होस्ट बने। अब आप सुनिए क्या कुछ कहा है संजीव झा ने अपने इस पूरे बयान में। उनका स्वागत करते हैं और एक एक स्कूल वो जहाँ चाहेंगे वहाँ उनको ले जाया जाएगा। मैं उनसे एक निवेदन भी करता हूँ, उम्मीद भी रखता हूँ कि अगले सप्ताह हम सब लोग गुजरात जा रहे हैं, तो जिस तरह से हम लोग इनका स्वागत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप दिल्ली में जिस किसी स्कूल का नाम कहेंगे, जिस अस्पताल का नाम कहेंगे, जिस मोहल्ला क्लिनिक का नाम कहेंगे, हम वहाँ ले जाएंगे, आपको विस्तार से बताएंगे कि स्कूल का क्या पहले हालात थी, अब ये हालात कैसे ठीक हुआ, कैसे अस्पताल का हालात पहले था और अब क्या ठीक हुआ। इसी तरह का होस्ट वो भी बने, हम जाएं, हम स्कूल का नाम बताएं, हम अस्पताल का नाम बताएं और वहाँ इसी तरह से ले जाकर दिखाएं, ताकि अच्छी बात तो यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य अब मुद्दा बन रहा है, बहस का विषय बन रहा है और इसी से देश का विकास होगा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का होस्ट गुजरात की सरकार, वहाँ के मंत्री, वहाँ के विधायक करेंगे। तो केजरीवाल सरकार के इस दिल्ली मॉडल की चर्चा अक्सर सुनाई देती है, लेकिन गुजरात में आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए काफ़ी तैयारी कर रही है, और उन्हीं तैयारियों के बीच अब आपको बता दें कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल जो है, दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल जो है, अरविंद केजरीवाल के जो ये मॉडल है, इसको लेकर अब ज़बरदस्त सियासत देखने के लिए मिल रही है। अब आपको ये भी बता दें कि जो डेलीगेशन गुजरात से दिल्ली पहुँचा है वो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, स्कूल में, मोहल्ला क्लिनिक में जाएगा और वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करेगा और उस वीडियो को रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि उन वीडियो में हम, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो डेलीगेशन है, वो दिल्ली सरकार की पोल खोलेंगे। देखना होगा कि वो जो वीडियो रिलीज होंगे उसमें क्या कुछ सामने आता है। आप देख रहे हैं दिल्ली NCR की खबरों के लिए दिल्ली तक।